Next thing which I want to tell you, the most important about line graph is how to show the trends. ऐसे जिथे मर्जी इनक्रीज डिक्रीज स्लाइटली इनक्रीज ड्रामेटिकली इनक्रीज ला दें, यह साडा स्कोर डाउन करता है। असि जो इंट्रो लिख ली उस तो बाद असि ओवरऑल लिखा, ओवरऑल समरी शॉर्ट जी दे देवे, एंड लिखने एंड लिखो। आई सजेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन गिव द शॉर्ट समरी, बिकॉज वैन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू समवन, वो परसन एदा हों कि सानू इमीडिएटली पता लगे कि अगे की है डिटेल्स जड़िया ने शॉर्ट दो लाइन पब्लिश करांगे। इन द ओवरऑल एक चीज का ध्यान रखो कि कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ईयर नू भी अवॉइड करने की कोशिश करो, देयर शुड बी नो स्टैटिस्टिकल वैल्यू। सिर्फ एक ओवरऑल दे विच आपां इह दसांगे, जिवें फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल की हुंदा, जे असीं कह दईए कि मॉर्निंग च वैदर थोड़ा जिहा कूल सी, फिर पूरा दिन बहुत ज्यादा गर्मी रही, शाम नू हल्का जिहा वैदर नॉर्मल होया, ते ओवरऑल पूरा दिन गर्मी सी, इही है। रादर देन असीं इह कहीए 10 तों 11 इदां होया, 11 तों 12 इदां होया, 12 तो 1 ऐदा सी, 1 तो 2 इवें सी, असीं ओवरऑल दसांगे कि अज पूरा दिन बहुत गर्मी सी। सो दैट इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर राइटिंग टास्क 1। इहदे विच जिवें कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की गल की गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट ते घर हाउस होल्ड्स ते जिहड़े सीगे, मान लो कि अगर इंडस्ट्री तो जिहड़ा इंडस्ट्रीज तो जिहड़े पोल्यूटेंट निकलते हैं वो पहले बहुत ज्यादा सी, बट 95 च घट गए, ठीक है। सैकेंडली जो ट्रांसपोर्ट तुसी वो पहले घट सी फिर वध गए, ते जिहड़े हाउस होल्ड आ वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, ते असी जिहड़ियां चीजां सानू लगदा कि वधियां बहुत ज्यादा घटियां, जिन्होंने बहुत ज्यादा चेंज दिखाया, आपां उन्हां बारे ओवरऑल लिखांगे। इट कैन बी सीन कि ज्यादा एयर पोल्यूटेंट्स जिहड़े सी वो फैक्ट्रीज दे सी, कंपनीज दे सी, हाउस होल्ड दे सी, किहदे सीगे, एक ओवरऑल व्यू दे देंगे कि ओवरऑल जिहड़ा ग्राफ है वो सानू की एक्सप्लेन कर रहा कि किन्ना ने ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाया पोल्यूटेंट्स ने, किन्ना ने एयर पोल्यूशन घट फैलाया, एक ओवरऑल समरी। फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी, एक्सप्लेनेशन जिहड़ी स्टार्ट है वो मैं तुहानू एक्सप्लेन करांगी अगे, उस तो पहले मैं ये दसांगी कि तुसी एक्सप्लेनेशन नू जदों लिखदे हो ते तुसी वर्ड्स नू कुछ भी नहीं लिख देना कि हां जी तुसी कुछ भी लिख दिता वर्ड्स नू, किते भी स्लाइटली लिखता ड्रामेटिकली वर्ड लिख दिता। लाइन ग्राफ नू एक्सप्लेन करन वास्ते देयर आर पर्टिकुलर वर्ड्स, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड, अगर तुसी इनक्रीज्ड ट्रेंड दस रहे हो, कोई चीज वधदी हुई दस रहे हो, देन द वर्ड्स आर वेंट अप, ग्रू, राइट डाउन, इम्प्रूव्ड, वेंट अप, ग्रू, इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड, रोज, ROSE। स्टूडेंट लिख दिंदा है इंक्रीज, इंक्रीज्ड आएगा, समथिंग इज इन द ऑब्वियसली हैज बीन एक्सप्लेन्ड, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है ते वो पास्ट दे विच है ते आपां नूं इंक्रीज नहीं लिख सकते। अगर कोई चीज लिखिया कि स्लोली इंक्रीज कर रही है, मोस्टली लाइन ग्राफ नूं सी पास्ट च ही एक्सप्लेन कर, ठीक है। ग्रू अप, इंप्रूव्ड, रोज, वेंट, दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुहानूं दस रही हूं कि तुसी यही वर्ड्स याद रखो, ज्यादा मिक्सचर च जाण दी जरूरत नहीं है ताकि तुसी कंफ्यूज हो। डिक्रीज्ड, अगर कोई ट्रेंड डाउन आ रहा घट रहा है तो उन्हें असीं कहांगे डिक्रीज्ड, डिक्लाइंड, ड्रॉप्ड, फेल, वेंट डाउन, ये नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज नूं दसण दे तरीके, ठीक है। नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज नूं दसण दे ए वे आउट। हुण अगर बहुत ज्यादा चेंज है, बिग चेंज है या बिग डिक्रीज है, असीं उत्थे ए वर्ड्स नहीं लगावांगे। अगर बहुत ज्यादा चेंज है, ये नॉर्मल इंक्रीज नॉर्मल डिक्रीज नूं दसण दे वे आउट। अगर बिग इंक्रीज है then the words are doubled, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, डबल हो गई है, मीन्स पहले 50 सी फिर 100 ते चली गई, पहला नॉर्मल 0 ते सी 100 ते चली गई, 50 ते चली गई, दैट इज रॉकेटेड। अनदर वर्ड इज रॉकेटेड, मीन्स डबल्ड। ए वर्ड कितने फिट करने, किमें फिट करने है,
ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले वर्ड्स नू एनालाइज कर लिए कि केड़े वर्ड्स बहुत ज्यादा बिग चेंज दसते हैं। रॉकेटेड, डबल्ड या रॉकेटेड, जंप्ड या शॉर्ट अप, जंप्ड शॉर्ट अप। बिग डिक्रीज नू असी कहांगे प्लमेटेड, PLUMMETED, प्लमेटेड। हाल्व्ड, HALVED, अगर कोई चीज 100 ते चल रही है वो सडनली डाउन आके 50 ते रह गई, अद्धी रह गई, उदो तो असी उनू हाल्व्ड कहांगे। या डिप्ड, प्लमेटेड, प्लंज्ड, PLUNGED। ए वर्ड किथे किवें फिट हुंदा ए भी थानू अंडर गाइडेंस, ट्रेनर गाइडेंस ही समझ लगेगा। हर जगह ते हर वर्ड फिट नहीं होएगा, उसी एक्सप्लेन करके तुम दसांगे कि किस तरीके दे नाल तुसी केड़ा वर्ड किथे लाउणा। इफ देयर इज समथिंग हैज नॉट बीन चेंज्ड एंड रिमेन्ड सेम, कोई चीज नहीं बदली, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं फिर भी वो लाइन सीधी चल रही, थोड़ा जा थोड़ा डाउन गई है, बिल्कुल निगलिजिबल, ते असी उथे वर्ड यूज करदे हां फ्लक्चुएशन, fluctuated, sorry, not fluctuated, fluctuated is when something is going up and down, up, down, up, down, that's fluctuation. When something remains same, that's constant. जे कोई चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुई बहुत लॉन्ग पीरियड तक, हल्के फुल्के चेंजेस, स्लाइटली चेंजेस दिखा रही और सेम रही ऑलमोस्ट, ते द वर्ड इज कॉन्स्टेंट। एंड इफ समथिंग गोज अप डाउन, अप डाउन, कोई चीज ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, चेंजेस दिखा रही है, देन फ्लक्चुएशन। एंड अगर कोई चीज स्लाइटली चेंज हुई है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, लाइन थोड़ी नॉर्मल चल रही 30 ते 40 ते चली गई, उस तो बाद डाउन आ गई, या 30 to 40 चली गई, या 30 to 20 चली गई, कोई स्लाइट चेंज दिखा रहा, ता असी उदे नाल ए वर्ड्स दा लाउणा बहुत जरूरी है। स्टूडेंट अगर ये लिखता है देर इज अ चेंज, या इनक्रीज या डिक्रीज, इनक्रीज नॉर्मल तो थोड़ा घट आ, लेस चेंजेस। अगर मीडियम चेंजेस आए ने, मीडियम चेंजेस ना बहुत ज्यादा ने ना बहुत घट ने, उन्होंने कहने हैं मीडियम चेंजेस। की कहने हैं संदीप, की कहने हैं उन्होंने मीडियम चेंजेस, तो असी केड़ा वर्ड यूज करेंगे सिग्निफिकेंटली कंसिडरेबली, वर्ड इज सिग्निफिकेंटली कंसिडरेबली। अगर बहुत ज्यादा फास्ट चेंज आया मीन्स पहला चीज 10 ते है, 20 ते है, 30 ते है, 40 ते है, इवें नहीं होया, 0 तो 10 ते पहुंची, 10 तो सीधी 200 चलेगी, फास्ट चेंज दिखा रही है लाइन बहुत ज्यादा, ते उन्नू असी कहांगे शार्पली रैपिडली। हुण रैपिडली वर्ड हर जगह नहीं फिट कर देना, हुण समझ लग गया किरण, हां सो इज इट क्लियर नाउ हरप्रीत, के रैपिडली वर्ड और शार्पली वर्ड किथे लगेगा। अगर स्लोली स्लोली चेंज आ, हौली हौली कोई चीज 10 ते है, 20 ते है, ती ते है, वो हौली हौली स्लोली स्लोली जा रही है, असी वर्ड लगावांगे ग्रेजुअली स्टेडिली, ग्रेजुअली स्टेडिली। एंड अगर जबरदस्त चेंज आया है, सडन चेंज कह सकते हैं, रिमार्केबली वर्ड भी लग सकता है, ओके, स्ट्राइकिंग भी लग सकता है, देयर इज स्ट्राइकिंग इंक्रीज या स्ट्राइकिंगली increased, whatever the value is, or strikingly increase hoi remarkably, the change can be seen, yeah, remarkably it increased, strikingly it reached 200 from 0, yeah, 10. So these are the words which are very important.
Now I am sharing the task and firstly you have to explain it by using the words. Framework में तो नू दस्या हुआ है. Introduction overall जो तो नू समझ लग रही है. Introduction लिख के introduction तो बाद तुसी एक overall तो passage बन paragraph बनाओगे. उस paragraph दे विच तुसी कोई statistical value use नहीं करनी. Simply जो तो नू दिख रहा है overall कि MAMA इस graph दे विच हुआ है. Then third paragraph should be bigger. जिधर तुसी explain करना. जिधर 20% tragic होगी explanation अपा. फोर्थ पैराग्राफ के विच दवांगे. फोर्थ पैराग्राफ शुड बी स्मॉल. वर्ड लिमिट 150 टू 180 नॉट मोर देन दैट. एंड इधर जो उन्होंने गल की है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दी इन द यूके फ्रॉम 1990 टू 2005 और पांच तरह के एयर पोल्यूटेंट्स ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टोटल एयर पोल्यूटेंट्स एंड हाउस होल्ड. सॉरी फोर टाइप्स आर देयर. एंड देन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ. ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ. ਕਲੀਅਰ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ? ਯੈਸ ਮੈਮ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ.